कल का मंदिर से शुरू करके और लगातार 8 सितंबर तक चलेगी। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग प्रदेश का पूरा नेतृत्व मेरे साथ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वाजपाड़ा भी चल रहे हैं, संबंधित इलाकों के सांसद विधायक मंत्रीगण सभी साथ होते हैं। जनता से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं और जिस जिस स्थान पर जिला केंद्रों पर जहां पड़ाव होता है तो अगले दिन सुबह वहां के प्रमुख प्रोजेक्ट जितने हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास ये कार्यक्रम होता है। कल पूरा दिन की यात्रा समाप्त हुई, 6 विधानसभाओं में हमारा जाना हुआ। आज रात्रि को पूरा दिन रुकना हुआ था तो हरियाणा जिले के जो प्रोजेक्ट उद्घाटन शिलान्यास के भी सभी कार्यक्रम किया। 6 जिलों में कैसा अनुभव रहा जी? सभी विधानसभाओं में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उमड़े, कई जगह पर मुख्य कार्यक्रम थे, 5,000-5,000, 8,000, 10,000 लोग भी थे। कुछ जगह पर रास्ते पर गांव में लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत में भी मुख्य कार्यक्रम तो नहीं कह सकते लेकिन वहां भी हजारों की संख्या में लोग आते थे, पुष्प वर्षा करते थे। कल 36 कार्यक्रम मेरे 6 विधानसभाओं में हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इन सब कार्यक्रमों में छोटे बड़े लगभग 1.5 लाख लोग इसके अंदर शामिल हुए। सीएम साहब, प्रशासन को मुख्य काम जनता की सेवा करना होता है, जनता की आयु तकलीफ उसको दूर करना होता है और सारे हमारे अधिकारी उस काम में लगे हैं। इस यात्रा में जितनी आवश्यकता है उतने ही लोग लगे हैं, सब जगह लगे हुए नहीं है। और जहाँ तक प्रशासन की चुस्ती और मुस्तैदी का विषय है, आपकी जानकारी के लिए रात को दो बजे हमने इंद्री विधानसभा का एक गाँव है टापू, यमुना के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ है और जो पानी वहाँ बढ़ गया तो वहाँ के 9 लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया रात के 2 बजे और हेलीकॉप्टर सर्विस से। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं होता तो इस प्रकार के बचाव कार्य कैसे किया जा सकता था। लेकिन सर, यमुनानगर के कई गांव अभी भी पानी की चपेट में है और लोग जब पानी सामान लेके बाहर निकलने का, जब पानी बढ़ेगा और पानी अप्रत्याशित तौर पर एकदम बढ़ा है। आपकी जानकारी के लिए कल 8,26,000 क्यूसेक पानी राज्य वाले से छोड़ा गया। मैं भी जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से होकर के आया हूँ उस क्षेत्र में बराबर पानी पहाड़ों से उतर रहा था, बरसाती नाले सब फुल थे। हमारे ये जो नदियां हैं, चाहे वो शाबाद बारकंडा है, चाहे टांगरी है, चाहे आगे सोम नदी है, ये सब पानी फुल चल रही हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, पानी आता है तो जल्दी उतरता भी है। बहुत स्थानों पर शाम तक पानी कम हो गया है और इस इलाके में पानी बहुत जल्दी उतर जाता है। मैदानी इलाके की कठिनाइयाँ आती हैं, जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई कठिनाई आएगी उनको लोगों को पूरी सुविधा ये सब पहुँचाई जाएगी। मैं सब प्रशासन के अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से, बाकी सब लोगों से संपर्क में हूँ, कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर बहुत बड़ा होता है उस अगर के बहाने, अगर के सहारे वो चलते रहे, अगर ये होगा तो वो होगा, नोमर तेल होगी ना राधा।